फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बन परमाणु के बारे में जानेंगे, मतलब कि कौन प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी होगा, कौन टर्शियरी होगा, कौन क्वार्टरनरी होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वार्टरनरी है। इसके साथ साथ नॉर्मल जानेंगे, आइसो जानेंगे, नियो के बारे में जानेंगे, इतना आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। कार्बन एटम, ठीक ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम, ठीक ना। कैसे हम जानेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CH3, CH2, 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 CH, CH3 और CH3। तो देखते हैं ये वाला कार्बन परमाणु जो है, ये कार्बन परमाणु इससे जुड़ा है और किसी से नहीं जुड़ा है। ये वाला कार्बन परमाणु सिर्फ इससे जुड़ा है, यानी ये दोनों कार्बन परमाणु सिर्फ एक एक कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक डिग्री हो गया, ठीक ना। ये वाला देखते हैं, ये वाला कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा है, ठीक, ये वाला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा है। तो इसका मतलब ये तीन कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा 3 डिग्री, ठीक ना। इस वाले कार्बन परमाणु को देखते हैं तो सिर्फ इससे और इससे जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 डिग्री। इस कार्बन परमाणु को देखते हैं तो ये वाला इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 2 डिग्री। और इस वाले को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, 4 डिग्री। कैसे जानेंगे, जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उतने डिग्री का वो होगा। और एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, जानने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है कि जिस कार्बन परमाणु की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे देख लेते हैं कि कितना हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है। अगर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री है, ठीक ना, क्या है, 1 डिग्री। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है तो इसका मतलब क्या है, 2 डिग्री। अगर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा है, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा है तो वो होता है 3 डिग्री। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा है तो इसका मतलब वो होता है 4 डिग्री। ये छोटी सी ट्रिक है जिससे हम क्या करेंगे, जान जाएंगे कि वह कार्बन परमाणु किसके साथ है। जैसे यहाँ पर फोर्थ वाला देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम इससे ज्वाइंट नहीं है। तो जब कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट नहीं होगा तो कितने डिग्री का होगा, 4 डिग्री का। और जब कार्बन परमाणु से 1 होगा तो 3 डिग्री का। तो यहाँ देखते हैं कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 है तो 3 डिग्री है। कार्बन के साथ जब 2 होगा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक ना, 1 डिग्री है। इससे हम क्या करेंगे, जान जाएंगे कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है और कौन चतुष्क है, ठीक ना। नॉर्मल देख लेते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं कि नॉर्मल कब पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अगर आपको ये स्टेट चेंज दे दी जाती है CH3, CH2, 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 CH3, ये स्टेट चेंज दे जाती है। इसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, न ऊपर से न नीचे से कोई भी साइड चेन नहीं है। तो जब कोई साइड चेन नहीं होती है और कंटिन्यूअस कार्बन की श्रृंखला होती है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, नॉर्मल। और नॉर्मल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यन से, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका नाम हो जाएगा यन पेंटेन, ठीक ना। इसको हम नॉर्मल कहेंगे। कब नॉर्मल कहेंगे, जब कार्बन परमाणुओं की कंटिन्यूस श्रृंखला हो और उसमें कोई साइड चेन न हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। आइसो देख लेते हैं, आइसो, आइसो कब कहेंगे, आइसो के लिए कंडीशन ये होती है कि जो एल्किल ग्रुप होता है
वो दो होता है और किसी कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। इसको हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और CH3 ये हो जाएगा CH, ये हो गया CH3। इसको और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CH3 C ऊपर CH3 और ये क्या हो गया H, और ये हो गया स्टेट चेन को बढ़ाने के लिए। यानी ये पोजीशन जो कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। यानी दो मेथिल ग्रुप होगा कोई भी होगा, ठीक ना, उसके साथ CH लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि क्या होता है आइसो, लाइक दिस, ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई अगर एल्किल ग्रुप ज्वाइंट कर देते हैं, इसका नाम लिखना होगा, तो इसको बना लेंगे आइसो, और जितना कार्बन होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो इसका हो जाएगा आइसो, ठीक ना। अब कितना है, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक ना। नियो जान जाते हैं कि नियो कब कहते हैं, नियो के लिए क्या है, पोजीशन क्या होती है कि CH3 और उसके साथ क्या होता है, थ्राइस होता है, और उसके साथ कार्बन एटम C होता है। इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, CH3 और CH, आइए स्टेट चेन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक ना, CH3, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, नियो कहलाती है, ठीक ना। अगर मान लीजिए किसी एल्किल ग्रुप से इसको ज्वाइंट कर देते हैं, तो मान लीजिए ज्वाइंट कर दिया CH3 से, अब इसका नाम लिखना रहता है, सबसे पहले नियो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, नियो लिख लेते हैं, और काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन परमाणु हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अल्किन बना लेते हैं, नियो पेंटेन, ठीक ना। याद रखेंगे CH3 थ्राइस और C रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं, क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको IPSC नाम लिखने के लिए, IPSC नाम या नॉर्मल नाम लिखने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी जानकारी वाली वीडियो है। अगर ये आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।